नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिटमैन रोहित शर्मा के बारे में। जैसा कि आप लोग यहां पे टाइटल को देख पा रहे होंगे, इतिहास रचने से 27 रन दूर हैं हिटमैन रोहित शर्मा, सेमीफाइनल मैच में बना सकते हैं 4 विश्व कीर्तिमान। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी रोहित शर्मा के फैन है तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों क्रिकेट की तमाम जानकारी से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल आरएस न्यूज को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको सबसे पहले क्रिकेट की तमाम जानकारियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए बात करते हैं पूरी खबर की। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आईसीसी विश्व कप 2019 में टीम इंडिया की सफलता में सबसे बड़ी भूमिका टीम के धुरंधर ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा की रही है। तो वहीं सेमीफाइनल मुकाबले से पहले रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ लीड्स में 27वां अपना वनडे शतक पूरा किया। और वहीं दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ हुए मैच में भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने 94 गेंदों में 103 रन बनाए थे, और वहीं केएल राहुल ने 118 गेंदों में 111 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। तो इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया था 7 विकेट से। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को बताएं कि मौजूदा विश्व कप टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी फॉर्म में चल रहे हिटमैन रोहित शर्मा के पास अब सेमीफाइनल मुकाबले में 4 विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का एक मौका है। तो दोस्तों जानेंगे इन चारों बड़े रिकॉर्डों को, आखिरकार कौन से ये 4 बड़े रिकॉर्ड हैं जो रोहित शर्मा सेमीफाइनल के मैच में तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे पहला रिकॉर्ड देख पा रहे होंगे, विश्व कप 2019 में रोहित शर्मा अब तक 4 मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत चुके हैं, और इसी के साथ उन्होंने युवराज सिंह की बराबरी कर ली है। तो ऐसे में अगर अब वो एक और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत जाते हैं तो उनके पास 2011 विश्व कप में युवराज के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 बार युवराज सिंह ने 2011 में अवार्ड लिया था मैन ऑफ द मैच का, और वहीं इस बार 2019 में रोहित शर्मा ने भी 4 बार लिया है। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने 2003 में 3 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया था। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले रिकॉर्ड की। दोस्तों रोहित शर्मा विश्व कप मैचों में कुल 16 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 977 रन बना चुके हैं, और अब विश्व कप में 1000 रन पूरे करने के लिए रोहित शर्मा को मात्र 23 रन बनाने हैं, जिसके कारण वो अपने 1000 रन विश्व कप के पूरे कर लेंगे इसी के साथ। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरे रिकॉर्ड की। जो दोस्तों तीसरा रिकॉर्ड है वो है एक विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड, जो कि अभी तक सचिन तेंदुलकर के पास है। दोस्तों हम आप लोग को बताएं कि सचिन तेंदुलकर ने 673 रन बनाए थे एक विश्व कप में, तो वहीं सचिन द्वारा 2003 विश्व कप में बनाए गए इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए रोहित शर्मा को मात्र 27 रनों की आवश्यकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा ने कल 103 रन बनाए थे, जिसके साथ उन्होंने 647 रन अपने पूरे किए। तो अब अगर रोहित शर्मा 27 रन और मारते हैं तो सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो वहीं दोस्तों बात करें चौथे रिकॉर्ड की, तो जो चौथा रिकॉर्ड है वह विश्व कप में रोहित शर्मा अब ओवरऑल 6 शतक लगा चुके हैं और सचिन तेंदुलकर के 6 शतकों की बराबरी कर चुके हैं। तो अब रोहित शर्मा के पास सेमीफाइनल में शतक लगाकर तेंदुलकर को पीछे छोड़ने का एक मौका रहेगा। तो दोस्तों यही थे वो 4 रिकॉर्ड जो रोहित शर्मा अगले सेमीफाइनल मैच में तोड़ देंगे। तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या रोहित शर्मा इन रिकॉर्डों को तोड़ पाएंगे या फिर नहीं। और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे दिखाई गई जानकारी आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली एक और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।